पहले तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो ये सीरियल है आपका इश्क बाज, जी आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा टीआरपी गेन कर रहा है, जी लोग काफी पसंद आ रहा है, जी मीडिया इज ऑन ऑन द या कितनी खुशी होती है और क्या यूएसपी मानते हैं शो के कामयाबी का? एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं इश्कबाज का हिस्सा हूँ, तो जब भी आप किसी चीज़ का हिस्सा बनते हो तो आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके लिए वो चीज़ अच्छी बने और आपके लिए अच्छा करे. तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इश्कबाज एज स्वेटलाना कैरेक्टर एंड आई लव द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग एंड या बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं क्योंकि मैंने शुरुआत ऐसे शो से की थी जो मैंने मिडवे में शुरू की थी और ये शो मेरे लिए पहला एक शो था जो स्टार्टिंग से मैं हिस्सा रही हूँ, तो इट फील्स ग्रेट. तो ये जो कैरेक्टर है क्या ग्रेट शेड है, पॉजिटिविटी है क्या इसमें, बेसिकली किस तरह के एट्रीब्यूट्स मैं क्या कहूँ, ये सब आपके नज़रिए की बात है. अगर आप इसको पॉजिटिव देखना चाहें तो आप इसे पॉजिटिवली देख सकते हैं, अगर आप इसे नेगेटिवली देखना चाहेंगे तो आप नेगेटिवली देखेंगे. क्योंकि अगर आपने शो देखा होगा, स्वेटलाना हैज़ कम हियर फॉर अ रीज़न, शी डजंट वांट द मनी, उसे मनी से प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपने पापा के खून का बदला लेना चाह रही है क्योंकि तेज सिंह ओब्रॉय ने उसके पापा को मारा होता है, तो अपने पापा के खून का बदला लेना चाह रही है, अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाह रही है. तो अगर आप इसे पॉजिटिवली देखना चाहेंगे तो ये पॉजिटिव है, अगर आप इसको नेगेटिवली देखना चाहेंगे तो ये नेगेटिव है. जी ये ऐसा हुआ है कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, तब वो उन्हें लग रहा है कि वो ओबराय मैंशन में एक भूल भुलैया में हैं, और हमारा मकसद, मेरा और मेरी बहन का मकसद यही है कि हम उसे ओबराय मैंशन से बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि समवेयर वी थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर अमंग द थ्री ब्रदर्स, इसलिए हम उन्हें तोड़ नहीं पा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू टिया हमें अनिका को पहले हटाना चाहिए ताकि हम बाकी सबको हटा सकें. तो हमें एक मौका मिला है क्योंकि अनिका की याददाश्त खो चुकी है, तो हम अनिका को यहाँ से बाहर निकालना चाह रहे हैं. आपको जो कैरेक्टर का नाम है स्वेटलाना, जी आपको अगर याद होगा तो ये कैरेक्टर स्वाभिमान सीरियल में काफी फेमस हुआ था, जो माइक बट्टी सीरियल थे. अच्छा, ये जो नाम कितना आपको अट्रैक्ट करता स्वेटलाना? मुझे ये नहीं पता कि स्वाभिमान सीरियल में स्वेटलाना वाला कैरेक्टर था, बट आई लव स्वेटलाना कैरेक्टर, द नेम, आई लव द इफेक्ट ऑफ द नेम स्वेटलाना एंड आई फील लाइक स्वेटलाना. So yeah, I love the name. बस ये पूछना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि जितने भी शोज आते हैं उसमें जो वुमन कैरेक्टर्स होता है, वुमन जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जी वो ओवरपावर करती हैं, सप्रेस करती हैं मेल कैरेक्टर्स को, तो ये आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि टेलीविजन मीडियम इतना ज्यादा मतलब प्रिविलेज ऑफर कर रहा है वुमन कैरेक्टर्स को? पावर ओवर पावर, एम्पावरमेंट की बात आजकल बहुत हो रही है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट. फेमिनिज्म, बहुत लोग अलग अलग डायरेक्शन में इस चीज़ को ले रहे हैं, पर I feel it's all about equality game, it's all about respect, it's all about being yourself, having yourself respect. तो shows हर तरीके के बनते हैं, बस कौन से show में क्या काम कर जाता है तो वही हम दिखाते हैं audience को, that's all.